एक आखिरी मौका दे रही हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं ना कि जो लोग आप पे भरोसा करते हैं उनकी आस्था बनी रहे, तो मेरे पति को आपको ठीक करना होगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आपको मेरे पति को ठीक करना होगा। मेरे पति को मेरे पास वापस लौटाना होगा, आपको लौटाना होगा उन्हें। अगर आपको मेरे दिल में अपनी जगह बनाए रखनी है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। हो गई हूँ आज मैं स्वार्थी, आज मुझे अपनी खुशी चाहिए, मुझे मेरे पति चाहिए, वो भी सही सलामत। लोग कहते हैं कि अगर सच्चे मन से मांगो तो आप कुछ भी देते। मैं अपने दिल और आत्मा से मांग रही हूं अपने पति की सलामती। बाहर बिजली की आवाज से टेंशन डिस्टर्ब हो रहा है और ये बंद ही नहीं हो रही है। आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। अब मेरा सर आपके सामने तभी झुकेगा जब आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे। पहली बार अपनी जिंदगी में खुद के लिए कुछ मांग रही हूँ और आपको देना पड़ेगा। या तो मेरा पति मुझे वापस लौटा दीजिए या मुझे ही खत्म कर दीजिए। मेरे पति मुझे वापस कीजिए। तो गई नहीं जा ही रही, कुछ काम था? नहीं, एक्चुअली हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बार बारिश हो रही है ना। तुम्हारे पास कोई मैकेनिक का नंबर है? मेरे पास मैकेनिक का नंबर क्यों होगा? क्यों नहीं होगा, तुम ऑफिस में काम करती हो, तुम्हारे पास होना चाहिए मैकेनिक का नंबर। ऑफिस में काम करती हूँ मैं, पर अब तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। एनीवे, सुप्रिया, तुम्हारे पास कोई कार मैकेनिक का नंबर है क्या? नहीं, वो रणबीर सर की गाड़ी शायद खराब हो गई है। हाँ, एक सेकंड, मैं लिख लेती हूँ। ओके, थैंक यू। फिर कभी ऐसे किसी नंबर की जरूरत हो तो प्लीज सुप्रिया से कहना, अब वो है तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है। हेलो, हाँ आप यहाँ पे आ जाइए, ऑफिस के बाहर रणबीर बोल रहा हूँ मैं जी। जल्दी, हाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई। थैंक्स।
आपने सुना? मैंने सुनी, ये अभी की आवाज थी। अभी को होश आ गया, मेरे बच्चे को होश आ गया। हाँ दादी, आपने सुना? डैडी मॉम को नाम लिया। चलिए दादी, चलिए। हाँ आइए। क्या हुआ दादी? What happened? कुछ नहीं। Oh God। तो मुझे अभी के पास ले चलो। नहीं दादी, चलिए आप पहले वहाँ पे बैठिए, आपको पैर पर चोट लग गई होगी। आइए, मुझे अभी के पास जाना। चलेंगे दादी, थोड़ी देर बात चलेंगे। आइए आइए, आराम से आराम से। माँ लग गया, भाई को सब याद आ गया है। इसका मतलब भाई की याददाश्त वापस आ गई है। अब भाई तनु को कभी माफ नहीं करेंगे, और हमें भी नहीं। अब हमारा क्या होगा आलिया? ये प्रज्ञा, रुक। प्रज्ञा कहाँ जा रही है तू? उनके पास वो मुझे आवाज दे रहे। मैंने आवाज सुनी उनकी, उन्हें मुझे आवाज दिया। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं सत्या जी, मैंने सुनी, उन्होंने नाम लेकर मुझे बुलाया, नाम लेकर बुलाया। बस कर, तू नहीं कहा ना, कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन दिया है, मजबूर है, तो आवाज कैसे देंगे? नहीं, नहीं, मैंने आवाज सुनी है सरिता जी, मैंने आवाज सुनी है। कैसी बातें करती, जब वो तुम्हें पहचानते नहीं तो आवाज कैसे देंगे? समझने की कोशिश करना। समझना ही तो मुश्किल हो रहा है ना सरिता जी। अगर उन्होंने आवाज नहीं दी तो मेरा मन बेचैन क्यों है? मेरे मन को क्यों लग रहा है कि उन्होंने पुकारा है मुझे, नाम लेकर? बस कर बेटा, बस कर। अब उसी चीज को लेके तुम्हें वरिड हूँ। ओनली वरिड? आलिया तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें टप लगना चाहिए, क्योंकि जब अभी को पता चलेगा कि तनु को यहाँ लाने की वजह तुम हो, तो तुम जानती हो वो कितना गुस्सा करेगा। और मुझे डर है कि कहीं ज्वालामुखी ना पड़ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें कुछ याद ही ना हो। आखिर उनके ब्रेन में चोट लगी थी, पिछली बार भी जब उनका मेमोरी लॉस हुआ था तो उन्हें प्रज्ञा तक याद नहीं थी। हो सकता है कि इस बार उन्हें प्रज्ञा याद हो, लेकिन ये याद ना हो कि तन्नू कौन है। ये भी तो हो सकता है कि अभी को ये याद ना रहे कि तुम कौन हो। मेरा मतलब है कि अभी अगर यही भूल जाए कि तुम कौन हो, तो फिर तो तुम्हारा डरना बनता ही नहीं है ना। मतलब वो तुम पर गुस्सा निकालेगा ही नहीं, उल्टा तुम्हें ही घर से बाहर निकाल देगा, ये बोलकर कि who's this unknown person, जो मेरे घर में रह गया है, इसे घर से बाहर निकालो। ये सेम चीज मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ, अगर भाई आपको भूल गए तो। नहीं सुनो प्लीज, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब हम दोनों तो याद रहे, बस भगवान करे उसे तनु याद ना रहे। तनु नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। आप ये सोचिए ना, ये कहिए कि भाई को तनु याद हो और उसकी बुरी हरकतें याद ना हो। रिया बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे अभी के पास ले चल। चलिए ना, आराम से। हाँ हाँ चलिए ना दादी, भाई से जाकर मिलते हैं, बहुत दिनों बाद सदमे से बाहर आए हैं। बी केयरफुल, जल्दी ले चलना। भाई आप उठ गए? वो कहाँ है? वो कौन? तनु? प्रज्ञा कहाँ है? Says, why are you crying? What happened? क्या हुआ? Oh my God, तुम रो क्यों रही हो?
आपको पता है आपके मुंह से प्रिंसेस वर्ड सुनने के लिए मैं तरस गई थी। आपको सब कुछ याद आ गया ना? याद आ गया मतलब क्या? तुम्हारी मॉम कहाँ है वैशी? डैड आपको सब कुछ याद नहीं आया ना? याद नहीं आया मतलब? इट्स ओके मेरा बच्चा तो ठीक है? ठीक हो गया मतलब क्या था? अरे क्या हो गया इस घर में सब रो क्यों रहे हैं? अरे मामूली सी चोट लगी थी, मामूली नहीं मतलब चोट लगी थी, अब ठीक हो गया हूँ मैं। भगवान करे कि तू हमेशा ठीक रहे बेटा, हमेशा ठीक। अरे दादी ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है, वरना है कोई माँ का पीला जिसके सर पे गोली लगने के बाद जिंदा बचे? हाँ लाल को पीला कर दिया मेरा है, चलता है ना। तुझे सर पे गोली लगी थी वो भी तुझे याद है? अरे सब कुछ याद है मुझे, मतलब मुझे ये भी याद है कि मुझे मेरी लाइफ वापस मिल गई थी, प्रज्ञा के साथ मेरी शादी हो गई थी दादी। जिसमें उस मीरा ने हमारी मदद की थी, लेकिन वो बोलते हैं ना कि प्यार के दुश्मन हजार, हर लव स्टोरी में विलन का तो आना है, तो आ गए थे बहुत सारे विलन। वो लोग प्रज्ञा पर गोली चलाने वाले थे, मैंने प्रज्ञा को धक्का मारा, वो गोली मुझे लगी और ये स्टोरी थी। लेकिन प्रज्ञा है कहाँ? वेरी शी कहाँ है? वो घर में क्यों नहीं है? कोई बताएगा मुझे प्रज्ञा कहाँ है? अपने घर पर होगी भाई। अपने घर पर क्यों है? वो यहाँ पर क्यों नहीं है? मैं उसे लेकर आता हूँ भाई। पर क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि वो आपको हॉस्पिटल में बाहर स्ट्रेचर पर छोड़कर चली गई थी, एडमिट नहीं कराया था उसने आपको, वो चाहती नहीं थी कि आप बचे। ये सच नहीं है आलिया, मुझे वो स्ट्रेचर वाली बात याद नहीं है, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद है कि अगर किसी ने मेरी जान बचाई है ना तो प्रज्ञा है। सब याद आ गया है मुझे, प्रज्ञा ही थी जिसने मुझे बचाया। बचाया है प्रज्ञा ने? नहीं भाई, आप हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पे पड़े हुए थे, पता नहीं कितनी देर तक वहां पर थे, किसी ने आपको अटेंड नहीं किया था। जब हम वहां आए तब आपका इलाज शुरू हुआ। आलिया जब इतना बोल चुकी हो तो बाकी का भी बता दो ना, क्योंकि आधा सच झूठ बोलने के बराबर है। अभी सच क्या है मैं तुझे बताती। प्रज्ञा यहां आई थी, तुझसे मिलना चाहती थी, इनके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन ये लोगों ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मिन्नतें करती रही लेकिन ये लोगों ने एक नहीं सुनी उसकी। लेकिन प्रज्ञा हार मानने वाली कहाँ थी? वो भेष बदल के आई, गायत्री बन के आई, एक मालकिन घर की नौकरानी बनकर, और उसने आके तेरी सेवा की, तेरी देखभाल की। आज जो तू हमारे सामने इस हालत में खड़ा है ना, सब प्रज्ञा की मेहनत की वजह से है बेटा। मैं उसका साथ देना चाहती थी लेकिन ये आलिया ने मुझे डराया, धमकाया और कहा कि अगर आप उसका साथ देंगी तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। इसीलिए मैं चुप रही क्योंकि मुझे तेरे पास रहना था बेटे। प्रज्ञा जो इस घर की मालकिन थी, इस घर की नौकरानी बनकर रह रही थी, और ये आलिया तुझे डंडे से मारती थी, डंडे से।
आज तो कोर्ट जी भी बचा नहीं सकती इस डंडे वाली को। आज तो इस आलू का दम आलू बन के रहेगा। जिस तरीके से तुझे खाना दिया जाता था, कोई जानवर को भी नहीं देता, उस तरीके से देती थी आलिया। यही वजह थी कि मैं चुप रही। ए ताली, आ गया ना वापस, सब ठीक कर दूंगा मैं। हो गया आपका? या और कुछ बोलना है? देखा आपने भाई को? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। अब मुझे कुछ नहीं बोलना आलिया, क्योंकि मेरा अभी ठीक हो गया है और वो सब ठीक कर देगा। पूछिए क्या था? आपने मुझसे क्या कहा था कि मॉम डैड से मिलने कभी नहीं आई, वो उनका हाल पूछने कभी नहीं आई, लेकिन वो आई थी। वो आई थी स्वीटहार्ट, पर वो ये देखने आई थी कि अगर भाई जिंदा है तो कैसे, और अगर मर गए हैं तो प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे कर सकती है। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ रिया। रिया मेरी जान, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं सीन क्यों क्रिएट करूँ? फाइनली डैड ठीक है, बस मुझे और क्या चाहिए। अरे रुको, कॉफी पियोगी? तो जाओ मेरे लिए भी ले आओ। ओके okay.